children, welcome to your EBS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EBS class with a discussion of the password. Our password for today is adjective. A-D-J-E-C-T-I-V-E, adjective. What is the meaning of this word? Hindi mein hum ise visheshan kehte hain, jo sangya ki visheshta batata hai. In English, adjective is a word that we use with a noun. Or, why do we use adjectives? Hum adjectives kyun use karte hain? To describe more about noun, किसी noun के बारे में और अच्छे से describe करने के लिए हम adjective use करते हैं. So now I am giving you an example. It is about mango. Mango के बारे में है. Mango is a noun. So I can use adjectives like ripe mango, raw mango, delicious mango, tasty mango, green mango. So ये सभी adjectives हैं जो मैंने mango के लिए use किए हैं. So adjectives का पर्पस यही है कि वो नाउन के बारे में और अच्छे से बताते हैं. सो दैट वाज अबाउट अवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन अवर ईवीएस क्लास चिल्ड्रन, एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 11 इन अवर नोटबुक और बुक वर्क वी हैव ऑल्सो डन. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी डूइंग टेस्ट योर सेल्फ टू पार्ट टू. दिस इज ऑन पेज नंबर 53 एंड देन मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 पेज नंबर 54. So we will be doing these two pages. So let us start. Children, open your EVS book, page number 53. I want to tell you about something that we are going to do. Test yourself to. Here you can see. This is test yourself to. It means we have already done 11 chapters till now. चैप्टर नंबर 9 वी हैव स्किप्ड, हमने उसे स्किप किया है, हमने उसे नहीं किया है. बट चैप्टर नंबर 1 to 8 एंड देन 10 and 11 वी हैव ऑलरेडी डन. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज चैप्टर्स. तो उन्हीं चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. तो वी आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस, डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स, यू कैन से. सो दिस इज पेज नंबर 53. Test yourself to. Test yourself 1 we have already done before our summer vacation. So this is test yourself 2. ये अपने आप को टेस्ट करना है कि हमने कितना सीखा है. So let us discuss. So we are going to start with test yourself 2. Details to be written like classwork and today's date. सो चिल्ड्रन, दीज क्वेश्चंस और दीज ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट न्यू टू अस, हमारे लिए नए नहीं हैं. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द चैप्टर्स थॉरली, हमने चैप्टर्स को प्रॉपरली डिस्कस किया है और इनमें से जो क्वेश्चंस हैं आई एम श्योर कि हमें वो आते होंगे. इट मीन्स हमें उनके आंसर्स पता होंगे. सो नेम एनी टू सीरियल्स, हमें टू सीरियल्स के नेम बताने हैं. सीरियल्स क्या होते हैं? जो हम अपने भोजन में खाते हैं. सो The two names I have written here, wheat and rice. Corn भी एक सीरियल है, आप कोई दूसरे भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू. दीज आर ओरल क्वेश्चंस, ये ओरल क्वेश्चंस हैं, बट वी आर राइटिंग दीज क्वेश्चंस हेयर ताकि हम इन्हें लर्न कर पाएँ. नेम टू सीरियल्स, हमें टू सीरियल्स के नेम बताने हैं. आई हैव रिटन टू नेम्स लाइक वीट एंड राइस, ये दो सीरियल्स के नेम हैं, हमें टू ही बताने थे. आप दूसरे सीरियल्स के नेम्स भी लिख सकते हैं. सो गेहूं और चावल दो सीरियल्स हैं, अनाज जिसे कहते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ पर पानी का मेन सोर्स क्या है? सो वी हैव डिस्कस दैट रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. वी हैव टू राइट वन वर्ड आंसर, शॉर्ट आंसर हमें लिखने हैं यहाँ पर, 1 or 2 words. सो रेन हमने लिखा है. अदर सोर्सेज आर ऑल्सो देयर बट रेन इज़ द मेन सोर्स. दूसरे सोर्सेज भी हैं लाइक रिवर, पॉन्ड्स, कैनल्स, लेक्स, बट वो क्या है, अंडरग्राउंड वाटर भी है अवेलेबल, बट वो मेन सोर्सेज नहीं है, वो सब रेन से ही फेड होते हैं. सो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर्स को टिक करना है. द हाउस इन विच वी लिव विद अवर फैमिली इज कॉल्ड, ऐसा घर जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो क्या होता है? ऑप्शंस आर किचन, होम, स्कूल. सो उसे होम कहा जाता है. सो ऐसा घर जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड होम, वो होम है. नेक्स्ट एट नंबर 2, एग्स एंड मीट्स आर गिवन टू अस बाय,
ऐसा जो एनिमल जो हमें एग और मीट दोनों देता है उनमें से क्या है? ऑप्शंस आर गॉट, क्रैब, हैन. सो हम हैन के जो एग्स और मीट खाते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो हैन का एग और मीट दोनों यूज़फुल है उनके लिए, वो दोनों खा सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट एट नंबर 3, रोज़ एंड जैस्मिन आर. रोज़ और जैस्मिन क्या है? ये प्लांट के नेम हैं. वो क्या हैं? श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं या क्लाइंबर्स हैं? सो दीज आर श्रब्स. ये श्रब्स हैं. श्रब्स आर शॉर्ट प्लांट्स विद थिन बट हार्ड स्टेम और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है. ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जो ट्री से शॉर्टर होते हैं, बट उनकी स्टेम थिन होती है, पतली होती है, बट वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है, वुडी स्टेम होती है. सो रोज़ और जैस्मिन वो हैं श्रब के एग्जाम्पल हैं. हर्ब्स, डू यू रिमेम्बर, वो ग्रीन और वीक स्टेम के होते हैं, थिन स्टेम होती है. क्लाइंबर्स क्या हैं? दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, दे नीड द सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट और अ वॉल. सो रोज एंड जैस्मिन्स आर श्रब्स. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे वी आर रिवाइजिंग, हम रिवाइज भी कर रहे हैं जो हमने लर्न किया है. नेक्स्ट एट नंबर 4, हाउसेज मेड ऑफ कैनवस आर नोन एज. ऐसे घर जो कैनवस कपड़े के बने होते हैं, कैनवस इज़ अ क्लोथ दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोथ. ऐसा कपड़ा जिसे कैनवस कहा जाता है, उस कपड़े से बनने वाले घरों को क्या कहते हैं? टेंट्स, इग्लूस, कैरवेंस. सो दीज आर कॉल्ड टेंट्स. ये टेम्परेरी हाउसेज होते हैं. वो थोड़े समय के लिए किसी एक्सपीडिशन पर जाने के लिए या माउंटेनियर्स उन्हें लेकर जाते हैं, कैरी करते हैं, तो वो एक हाउस होता है, उसे फोल्ड किया जा सकता है और कैनवस कपड़े का बना होता है वो, जिसे टेंट कहा जाता है. सो इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो. कैरवान्स क्या होते हैं? हाउसेज ऑन व्हील्स. सो द करेक्ट आंसर, हाउसेज मेड ऑफ कैनवस आर नोन एज टेंट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन सी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. वी हैव टू सर्कल द ऑड वन. वट इज़ द ऑड वन? एक ऐसा वर्ड जो बाकी जो उस ग्रुप में जो वर्ड्स दिए गए उनसे डिफरेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑड वन. सो वी हैव बीन गिवन फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम. सो वट इज़ द ऑड वन? ड्राइंग रूम. किचन एंड डाइनिंग रूम आर कनेक्टेड. वो कैसे कनेक्टेड हैं? किचन में वी कुक फूड एंड वी ईट अवर फूड इन द डाइनिंग रूम. सो ये फूड को बनाने और खाने का एक प्लेस है, बट ड्राइंग रूम इज़ डिफरेंट. ड्राइंग रूम ऐसा रूम है जहाँ हम अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, उन्हें अटेंड करते हैं. सो दिस वर्ड इज़ ऑड हेयर. नेक्स्ट एट नंबर 2, बनाना, राइस, कॉर्न. सो केला, चावल और कॉर्न, मक्की, भुट्टा जिसे कहते हैं, इनमें से क्या ऑड है? बनाना इज़ द ऑड वर्ड. वाई इट इज़ ऑड? क्योंकि राइस और कॉर्न क्या है? सीरियल्स हैं. बनाना क्या है? फ्रूट है. सो बनाना इज़ द ऑड वन इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट एट नंबर 3, बटर, पटेटो, पल्सेस. मक्खन, आलू एंड दाल. सो वट इज़ द ऑड वन? बटर. बटर क्या है? हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल से मिलने वाला फूड प्रोडक्ट है जो मिल्क से बनाया जाता है. और मिल्क किससे मिलता है? एनिमल से. बट पटेटो और पल्सेस क्या हैं? ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट से हमें मिलते हैं. सो बटर इज़ द ऑड वर्ड इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट एट नंबर 3, मैच करेक्टली. हमें करेक्टली मैच करना है. वी विल रीड द words that are given in this column. Pot, igloo, bedroom. Now I will read the words in the next column. Sleeping, water, snow. So we will match pot with water. Pot water, जो घड़े का पानी होता है, pot water हम उसे कहते हैं. घड़े में जो हम पानी डालते हैं, मटके में, जिसे मिट्टी का मटका बोलते हैं. So clay से बना होता है, उसे roast किया जाता है, उससे में पानी जो रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉट वाटर. नेक्स्ट इग्लू. इग्लू को हम मैच करेंगे स्नो से, क्योंकि इग्लू स्नो से बनता है, स्नो से बनाया जाता है. बेडरूम वी विल मैच विथ स्लीपिंग. बेडरूम में हम स्लीप करते हैं, सोते हैं, वो सोने का कमरा है, दैट वी. सो वी विल मैच बेडरूम विथ स्लीपिंग. सो दैट वॉज अबाउट टेस्ट योर सेल्फ टू. वी हैव वन मोर वर्क. वी विल डू मॉडल टेस्ट पेपर 1, दैट इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54. सो टर्न द पेज. सो चिल्ड्रन, वी हैव पेज नंबर 54. इट इज़ मॉडल टेस्ट पेपर 1.
इट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर्स 1 to 11। ये 1 से 11 चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, मतलब उन्हीं में से 1 to 11 चैप्टर में से ही इन क्वेश्चंस को दिया गया है। सो वी हैव स्किप्ड चैप्टर नंबर 9, बट हमने बाकी चैप्टर्स किए हैं थॉरली। देन वी विल डू दिस मॉडल टेस्ट पेपर 1। सो राइट डिटेल्स लाइक क्लास वर्क एंड टूडेज डेट। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर्स। हमें सही आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज पी ग्राम एंड मूंग आर, पी मटर, ग्राम मतलब चना और मूंग क्या है, दाल होती है मूंग की, वो क्या है? ऑप्शंस आर वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स। वो क्या है, सब्जियां हैं, दालें हैं या फ्रूट्स हैं? सो वी हैव डिस्कस दैट पी ग्राम मूंग ये क्या होते हैं, पल्सेस होते हैं। सो वी विल टेक दिस ऑप्शन, ये दालें होती हैं जो हम खाते हैं। नेक्स्ट इज एट नंबर 2, अ चाइल्ड बिकम्स, एक बच्चा बनता है। ऑप्शंस आर एन एडल्ट, अ बेबी, अ टीनेजर। जब हमने स्टेजेस डिस्कस की थी ग्रोइंग अप की, कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, इन्फेंट है, देन इट बिकम्स अ चाइल्ड, वो चाइल्ड बन जाता है, जैसे आप चाइल्ड हैं। अब आप क्या बनेंगे, बड़े होंगे और ग्रो करेंगे और तब आप क्या बनेंगे, टीनेजर। सो टीनेजर क्या होते हैं, आई वुड से 12 to 16-17 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर कहा जाता है। सो अ चाइल्ड बिकम्स टीनेजर, उसके बाद वो स्टेज आती है ही बिकम्स एन एडल्ट। और बेबी तो क्या होता है, वो पहले की स्टेज है, चाइल्ड होने से पहले की। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, वी विल टेक दिस ऑप्शन। नेक्स्ट एट नंबर 3, वी कैन नॉट लिव विदाउट, हम नहीं रह सकते हैं किसके बिना, अ हाउस, फूड या फैन। घर के बिना नहीं रह सकते हैं, फूड के बिना नहीं रह सकते हैं या फैन के बिना नहीं रह सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फूड। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड, फूड, वाटर और क्लोथ्स, इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। हाउस के बिना बहुत से लोग हम देखते हैं सर्वाइव करते हैं, बट फूड के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर पाता है। फूड जो हमें एनर्जी देता है, हम ब्रीथ करते हैं वो एनर्जी भी हमें फूड से मिलती है, हम सांस लेने की एनर्जी भी हमें फूड से मिलती है, पानी पीने की, सोने की, स्लीपिंग करने की एनर्जी भी हमें फूड से मिलती है। सो फूड इज़ जिसमें से जो भी नेसेसरी है वो फूड है। नेक्स्ट एट नंबर 4, वी कैन क्लीन वाटर बाय, हम पानी को साफ कर सकते हैं किससे, ट्यूबवेल से, वेल से या वाटर फिल्टर से। सो ट्यूबवेल और वेल क्या हैं, अंडरग्राउंड वाटर के सोर्स हैं, बट वो पानी को साफ नहीं करते हैं। पानी को क्लीन करने के लिए वी कैन नीड वाटर फिल्टर, हमें वाटर फिल्टर की आवश्यकता हो सकती है। सो दीज टू ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वी विल टेक दिस ऑप्शन, वी कैन क्लीन वाटर बाय वाटर फिल्टर। क्वेश्चन बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। वी हैव बीन गिवन सम वर्ड्स, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। वी विल रीड द वर्ड्स फर्स्ट, क्लाइंबर्स, रेन वाटर, वर्क, हंड्रेड्स। सो वी हैव 4 वर्ड्स एज ऑप्शंस एंड वी हैव 4 सेंटेंसेस जिन्हें हमें फिल करना है। एट नंबर 1, वी मस्ट कलेक्ट डैश इन बकेट्स, ड्रम्स एंड टैंक्स। हमें क्या कलेक्ट करना है इनमें से, बकेट में, बाल्टी में, ड्रम में और टैंक्स में, क्या कलेक्ट करते हैं चिल्ड्रन, हम क्लाइंबर्स कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर, वर्क या हंड्रेड्स। सो वी कलेक्ट रेन वाटर, वी मस्ट कलेक्ट रेन वाटर, हमें पानी को, जो रेन का वाटर है, हमें कर लेना चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि हमारे पास बकेट्स हैं, ड्रम्स हैं, टैंक्स हैं, तो हमें उसे कलेक्ट करना चाहिए और उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन सेव वाटर, कंजर्व वाटर। कैसे पानी को यूज़ करेंगे, हम उस पानी को प्लांट्स में डाल सकते हैं, हम कार वॉश कर सकते हैं, मॉपिंग के लिए वो पानी ले सकते हैं, हमें ड्रिंक नहीं करना है उस पानी को, उससे कुकिंग नहीं करनी है, बट कुछ पर्पज़ के लिए हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। सो वी मस्ट कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स, ड्रम्स एंड टैंक्स। नेक्स्ट एट नंबर 2, वी शुड शेयर डैश एंड थिंग्स, हमें क्या शेयर करना है, दिस ऑप्शन वी हैव ऑलरेडी रिटन। वी मस्ट शेयर, क्या शेयर करना है, क्लाइंबर्स, वर्क या हंड्रेड्स। वी मस्ट, वी शुड शेयर वर्क और थिंग्स, काम भी शेयर करना है और चीज़ें, मीन्स चीज़ें तो शेयर करनी है, आपके पास है, किसी के पास नहीं है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, बट आपको वर्क भी शेयर करना चाहिए। एक ही पर्सन ज़्यादा काम करे, उससे बेटर है कि आप मिलजुल कर काम कर लें और मिल बांट कर काम करें, दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग।
सो वी शुड शेयर वर्क एंड थिंग्स, हमें काम को और चीज़ों को शेयर करना चाहिए. नेक्स्ट, सम ट्रीज लिव डैश ऑफ ईयर्स, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कई सौ साल, हंड्रेड मीन्स 100, कई सौ साल जीवित रहते हैं, इतना उनका लाइफ स्पैन होता है. कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं लाइक बेनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ ट्री, वो कई हंड्रेड ईयर्स तक जीवित रहता है. पीपल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सच ट्री जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जीवित रहते हैं. नेक्स्ट, पीस, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट, मटर, अंगूर की बेल और मनी प्लांट, वो क्या है? क्लाइंबर्स. वो क्या है? क्लाइंबर्स. वट आर क्लाइंबर्स चिल्ड्रन, डू यू रिमेम्बर? क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विद वीक स्टेम, उनकी स्टेम वीक होती है, दे कैनॉट स्टैंड अपराइट और दे नीड द सपोर्ट ऑफ सम अदर प्लांट और वॉल, किसी दूसरे प्लांट की या किसी वॉल की सपोर्ट उनको चाहिए क्लाइंब करने के लिए. सो पीस, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें शॉर्टली इन्हें आंसर करना है. सो विच एनिमल प्लोज अवर फील्ड्स, कौन सा एनिमल हमारे खेतों को, हमारे फील्ड को प्लो करता है, उसमें उसे मिट्टी को जैसे प्लो करना क्या होता है, उसे सॉफ्ट करना ताकि उसमें क्रॉप्स जो सीड हैं वो सो कर सकें. सो ऐसे एनिमल कौन है? ऑक्स. सो आई हैव रिटन हियर ऑक्सन. ऑक्सन क्या है? ऑक्स का प्लूरल है. ऑक्स मीन्स वन और मोर देन वन है तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सन. तो जनरली हम देखते हैं कि जो टू ऑक्स हैं वो प्लो करते हैं, हेल्प करते हैं, बैल जिसे बोलते हैं हिंदी में. सो आई हैव रिटन हियर ऑक्सन, ये हमारी प्लो एनीफील्ड्स को प्लो करता है. नेक्स्ट, नेम टू एनिमल्स दैट स्प्रेड डिजीजेस, ऐसे एनिमल के नाम बताओ जो बीमारी फैलाते हैं, मतलब उनसे डिजीज एक जने से दूसरे पर्सन को हो सकती है, किसी एनिमल को भी हो सकती है. सो ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन को होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, बट ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी फैलाते हैं. सो मॉस्किटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ एनिमल, ऐसा एनिमल का एग्जाम्पल मॉस्किटो है. इट इज़ अप टू यू, आप कौन सा एनिमल का नेम लिखते हैं. आई हैव रिटन हियर माइस एंड हाउस फ्लाइज. माइस क्या है? प्लूरल ऑफ माउस. चूहे, वो भी बीमारी फैलाते हैं, वो कुछ चीज़ों को घर में होती हैं वो काट जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, इस तरह से वो डिजीज स्प्रेड करते हैं. और हाउस फ्लाई, जो मक्खियाँ होती हैं जो घर में होती हैं हाउस फ्लाई, तो वो भी जर्म्स कैरी करती हैं अपने विंग्स में, अपने जो उनकी जो लेग्स होती हैं उनमें जर्म्स रखती हैं, और वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह जाती हैं तो वो जर्म्स वहाँ पे ट्रांसमिट कर देती हैं. सो माइस एंड हाउस फ्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ एनिमल्स दैट स्प्रेड डिजीज. और कुछ भी एनिमल्स हैं, इट इज़ अप टू यू, आप जो लिखना चाहें. सो वट इज़ अ ट्रंक? ट्रंक क्या होती है? ट्रंक क्या होती है? आई गेव यू थ्री एग्जाम्पल्स कि एक जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है मेड ऑफ कि आयरन का बना होता है, स्टील का, उसे भी ट्रंक कहते हैं. एनिमल्स क्या, एलिफेंट लॉन्ग नोज इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक, बट हेयर वी आर मैंशनिंग द ट्री ट्रंक, हम ट्री की ट्रंक के बारे में बताना चाह रहे हैं. अ ट्रंक इज़ अ ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ ट्री. एक ब्रॉड चौड़ी और एक स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, किसकी होती है? वो ट्री की, जिसे हम ट्रंक कहते हैं. सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट, अ ट्रीज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, ऐसा भी लिख सकते हैं. वट इज़ अ हाउस बोट? हाउस बोट क्या है? अ फ्लोटिंग हाउस, एक फ्लोटिंग हाउस, उसे हाउस बोट कहते हैं. वो फ्लोट करता है. फ्लोट किस पर करता है? वाटर पे. सो वो फ्लोट करता है और ऐसा हाउस हाउस बोट कहलाता है. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स फॉर हिंट्स. इन जो लेटर्स दिए गए हैं इन्हें कंप्लीट करना है. और हमें हिंट कहाँ से मिलेगा, क्लू कहाँ से मिलेगा? जो पिक्चर्स दी हुई हैं. सो दिस इज एन इमेज ऑफ हनी बी और उसका ये वेब है. हनी बी का जो स्पेलिंग है, वो लेटर्स हैं वो इनकम्प्लीट थे. सो एच ओ एन ई वाई हनी बी ई ई बी. सो वी विल कम्प्लीट दिस स्पेलिंग. दिस इज़ द हनी बी. दिस इज़ लेक, एल ए के ई लेक. लेक मतलब झील. ये मैनमेड भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है. सॉरी, मैनमेड एंड आर्टिफिशियल आर सेम थिंग. ये नेचुरल भी हो सकती है एंड आर्टिफिशियल भी हो सकती है. नेचुरल कैसी होगी?
कि उसमें रेन से पानी आएगा, और आर्टिफिशियल या मैनमेड कैसी होगी कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर उसे डिग करके वहाँ पे पानी कहीं से छोड़ा जाएगा ताकि वो उस लेक पर आ जाए. सो दिस इज़ लेक, LAKE लेक. CRAB क्रैब, ये सी में होने वाला एक आप एनिमल है कह सकते हैं. CRAB क्रैब, इसे सी फूड में भी खाया जाता है. नेक्स्ट सीरल्स. सीरल्स क्या है? कॉर्न, वीट एंड राइस, ये क्या है? सीरल्स है, अनाज हैं जो हम अपने डेली मील में इंक्लूड करते हैं इनमें से कुछ ना कुछ. कुछ लोग वीट खाते हैं, कुछ लोग राइस ज़्यादा खाते हैं. सो CERE ALS सीरल्स. सो दैट वॉज अबाउट मॉडल टेस्ट पेपर 1. नाउ टुडे इज़ वेडनेसडे, सो अबाउट योर होमवर्क. सो द होमवर्क आई विल पोस्ट इन द क्लास ग्रुप. सो क्लास ग्रुप में मैं पोस्ट करने वाली हूँ होमवर्क. सो दैट्स ऑल फॉर अवर EVS क्लास टुडे. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट EVS क्लास. चिल्ड्रन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.